आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के मामले पर सिविल एविएशन के मुलाजमीन के एहतजाज के बाद अहम पेशरफ्त। वजीर हवाबाजी साद रफीक ने सिविल एविएशन मुलाजमीन को मुजाकरात की दावत दे दी है। तफसीलात कराची से नवीद कमाल की रिपोर्ट में। सिविल एविएशन के मुलाजमीन के एहतजाज के बाद अहम पेशरफ्त। वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने सिविल एविएशन अथॉरिटी की यूनियंस के सरबराहान को मुलाकात की दावत दे दी। यूनियंस के सरबराहान का वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक से इजलास 30 जुलाई को लाहौर में होगा। CAA यूनियंस के सरबराहान को एयरपोर्ट्स आउटसोर्सिंग पर अपने खर्चात और तजावीज तहरीरी तौर पर लाने की हिदायत की गई है। वजीर हवाबाजी ने DGCAA वफाकी सेक्रेटरी हवाबाजी को भी इजलास में शिरकत के लिए लाहौर तलब कर लिया। CAA के नुमाइंदा तंजीमों के अराकीन वजीर हवाबाजी को अपने तहफुजात से आगाह करेंगे। सिविल एविएशन मुलाजमीन की जानिब से मुल्क भर के एयरपोर्ट्स को आउटसोर्सिंग के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने के बाद हुकूमत और CAA इंतजामिया मुजाकरात करने पर आमादा हुई है, जबकि सिविल एविएशन मुलाजमीन ने ऑपरेशन बंद करने की धमकी भी दे रखी है।